दोस्तों स्वागत है आपका किंग इन किचन में। दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक रोस्टेड मखाना का एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिससे मुझे कई लाइक्स मिले, कई व्यूज मिले और कुछ कमेंट भी मिले। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आपका प्यार और सपोर्ट मुझे इसी तरह मिलता रहे। दोस्तों अपने कमेंट सेक्शन में बहुत से सवाल पूछे हैं, जैसे कि क्या मखाना खाने से वाकई में वेट लॉस होता है, हम मक्खन क्यों डाल रहे हैं, वेट लॉस में मक्खन नहीं खाना चाहिए, नमक क्यों ऐड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं और आपके सवालों का जवाब दूं। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आपको वेट लॉस के अलावा मखाना के और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट मालूम हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं रोस्टेड मखाना बनाने की डिटेल रेसिपी। तो आज मैं आपको रोस्टेड मखाने की दो तरह की रेसिपी बना के दिखाने जा रहा हूँ। पहले हम एक बड़ा कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 100 ग्राम मखाना को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इस वक्त हमें तेल, घी या नमक कुछ ऐड नहीं करना है, तो हम बहुत ही धीमी आंच में रोस्ट करेंगे। और जब तक ये रोस्ट हो रहा है, चलिए मैं आपको मखाना के कुछ हेल्थ बेनिफिट बता दूं। मखाना का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये वेट लॉस के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होती है, जो कि आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा देर तक फुल रखता है और आपको ओवर ईटिंग करने नहीं देता। इसके अलावा इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसलिए ये एक परफेक्ट वेट लॉस स्नैक है। इसका दूसरा फायदा दोस्तों ये है कि ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें सोडियम बहुत ही कम होती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होती है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर लेवल को कंट्रोल में रखता है। तो जिन्हें बीपी या हाइपरटेंशन की शिकायत है, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। इसका तीसरा फायदा यह है कि ये आपकी हड्डियों को बहुत ही मजबूत रखेगा, क्योंकि ये कैल्शियम में बहुत ही ज़्यादा रिच है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मखाना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ही लो है, इसलिए ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा और जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत है, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगी। तो ये थे मखाना के कुछ फ़ायदे। चलिए अब देखते हैं कि हमारा मखाना रोस्ट हुआ कि नहीं। तो हम एक मखाना को लेकर इसे क्रश करके देखेंगे। तो अगर ये अच्छी तरह क्रश हो जा रहा है, इसका मतलब ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। दोनों मखाना की रेसिपीज बनाने के लिए यहाँ तक का स्टेप कॉमन है। तो पहले हम बनाएंगे पेपर मखाना। इसके लिए हम कढ़ाई गर्म करके उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मक्खन, यानी कि बटर। जब मक्खन पिघलना शुरू हो जाए, फिर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून पिंक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ मखाना 50 ग्राम डाल देंगे और अच्छी तरह उसे मिला लेंगे। मैंने जो शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, उसमें कुछ लोगों ने कंसर्न अपने कमेंट बॉक्स में बताया था कि वेट लॉस के लिए हम मक्खन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना भी मक्खन यहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका आधा ही क्वांटिटी मखाना में जाएगा और आधा जो है वो कढ़ाई में ही चिपक जाएगा। और मक्खन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि दो उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें विटामिन ए, डी, सी और कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए मैं यहाँ मक्खन यूज़ कर रहा हूँ। तो हमारा पहला रेसिपी रोस्टेड पेपर मखाना बनकर रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे पेरी पेरी मखाना। इसके लिए सेम प्रोसेस है, कढ़ाई गर्म करके हम उसमें मक्खन ऐड करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे पेरी पेरी पाउडर। अच्छी तरह हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम बचा हुआ जो मखाना है 50 ग्राम वो डाल के हम इसे अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। इसमें एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा कि आप हमेशा फ्लेम एकदम लो रखिएगा, नहीं तो जितना भी अपने मसाला ऐड किया है वो जल जाएगा और टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेरी पेरी मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। हम बहुत ही कम नमक ऐड करेंगे और क्योंकि मसाला कम पड़ा तो मैं इसमें और ज़्यादा ऐड करूँगा। तो आप बीच में टेस्ट करके देख सकते हैं और कम लगा तो आप पेरी पेरी पाउडर आपके हिसाब के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों हमारा पेरी पेरी मखाना भी रेडी हो गया है, तो हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा दो तरह का रोस्टेड मखाना रेसिपी बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसे आप लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो इफ यू आर लुकिंग टू लूज योर वेट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फूड एंड टेस्ट, देन प्लीज जॉइन द मिशन स्लिम पॉसिबल व्हाट्सएप ग्रुप बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज द कस्टमाइज्ड वेट लॉस प्रोग्राम
where I will teach you how to cook your favorite food in zero oil, non-toxic cooking techniques and dishes which are high in protein, fiber and nutrients. The uniqueness of the program is that you make permanent lifestyle changes in the way you cook, the way you live, and so you never gain back the weight that you have lost. So without wasting any time, quickly join the group and get your free diet analysis done. Thank you.